हेलो स्टूडेंट, तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है कि टू कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कंटेक्ट, देन पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज। आपसे कहा गया है कि दो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और दोनों को कंटेक्ट में रखा गया है। जैसे मान लो कि यह दोनों कन्वेक्स लेंस है और दोनों को हम कांटेक्ट में रखे हुए हैं ऐसे, और एक का फोकल लेंथ है मान लो कि F1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा का फोकल लेंथ को F2 का देते हैं, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि इस कंबाइंड जो लेंस होगा इसका पावर कितना आएगा, तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वन ऐसे पी इक्वल टू 1/F होता है। अब इसका मान लेते हैं कि जो कंबाइंड लेंस आएगा उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस, तो उसका फोकल लेंथ कितना है FE, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/FE, और हम पहले FE निकाल देंगे, तो 1/FE इसको बोलते हैं कि कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ या इफेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। और यह फॉर्मूला होता है 1/F1 और प्लस 1/ यहाँ से F2। अब वैल्यू रख दीजिए 1/ यहाँ पे 20 और प्लस 1/15 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो चला आएगा कितना, यह आ जाएगा 60, यहाँ पे 3 अब प्लस या 4 यानी चला आएगा यहाँ से 7/60, इतना आया। देख लीजिए यह हो गया 1/FE का वैल्यू। FE का वैल्यू निकालेंगे तो कितना चला आएगा, 60/7 यह आएगा, और प्लस में आ रहा है, ये ध्यान रखना है कि प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने निकाल दिया कि इस कंबाइंड लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना हो गया 60/7 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे नाउ पावर इफेक्टिव लेंस का यानी दोनों से जो कंबाइंड लेंस बनेगा ना उसका पावर लिख रहे हैं, तो PE इक्वल टू हो जाएगा 100 अब बट्टा यहां से FE। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जब भी सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हो ना तो ऊपर में 100 आपको लिखना है, तो PE हो जाएगा यहाँ से, देखिए दिख रहा सबको, तो ये 100 अब बट्टा FE का वैल्यू कितना है 60 अब बट्टे यहाँ पे 7, इसको सोल्व कीजिएगा तो चला आएगा PE इक्वल टू यहाँ पे 7 इंटू 100 अब आई यहाँ से 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो PE इक्वल टू हो जाएगा देखिए यहाँ से 70 अब आई कितना 6, और इसको सोल्व देखिए तो यहाँ पे 70 अब आई कितना करेंगे 6, तो 70/6 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना चलाएगा, इसका वैल्यू आएगा 11.67 आता है 67, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, यह दिया हुआ है बच्चों सी में, तो सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। अच्छा यह वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,